यस स्टूडेंट्स वी है टू ओके सीधा क्वेश्चन नंबर टू दिस क्वेश्चन कंटेन्स मेनी पार्ट्स इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को करेंगे नाउ रीड द ए पार्ट इन अ बॉक्स देयर आर हंड्रेड चौक्स एक बॉक्स है ठीक है बॉक्स यानी कि एक डब्बा है जिसमें हंड्रेड चौक्स है चौक्स जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना व्हाइट चॉक हैं कलर चॉक कोई भी चॉक हो सकता है ठीक है लेकिन 100 चॉक्स हैं कलर कुछ भी हो सकता है वी डोंट नो आउट ऑफ दिस 65 चॉक्स आर ब्लू हाँ जी 65 चॉक्स जो है वो बेटे ब्लू कलर के हैं डेट मींस की कलर्ड चॉक्स हैं और जिसमें से 65 क्या है कलर्ड है डेट इज ब्लू ब्लू कलर के हैं 65 चॉक्स एंड द रेस्ट आर पिंक इन कलर यानी कि टू कलर्स हैं हंड्रेड चौक में से सिक्सटी फाइव जो है चौक्स वो ब्लू कलर के हैं और जो बच गए रिमेनिंग वो पिंक कलर के हैं यानी कि टू कलर के चौक्स हैं बॉक्स में ओके अंडरस्टूड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है क्वेश्चन समझ में आ गया हंड्रेड चौक्स हैं एक डिब्बे में एक बॉक्स में और उसमें सिक्सटी फाइव चौक्स जो हैं वो ब्लू कलर के हैं और बाकी जो बच गए हैं वो पिंक कलर के हैं ओके okay? नाउ ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक्स। अगर हम ब्लू चॉक की फ्रैक्शन निकालें तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो बहुत इजी है और हम कर भी चुके हैं है ना तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटे डिनोमिनेटर में टोटल चॉक्स लिखेंगे तो टोटल आपको पता हंड्रेड है ओके okay? और ब्लू चॉक्स कितने हैं सिक्सटी फाइव तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में निकल आया 65 फाइव बाय हंड्रेड अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें क्योंकि यहां परसेंटेज का साइन लगा है तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में हंड्रेड हो दैट कैन बी चेंज इन परसेंटेज उसको हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं जब भी डिनोमिनेटर में हंड्रेड हो ओके okay? तो ये और जो न्यूमिनेटर में आपको गिवन है वही नंबर यहां पे लिखा जाएगा डेट इज सिक्सटी फाइव परसेंट these questions are quite easy now see the second one number of pink chalks ab number of pink chalk kaise find out karenge aapko pata hai bete total to hamare paas 100 hai hai na total hamare paas 100 hai lekin isme blue chalks hai 65 ठीक है अब 65 chalks को अगर हम minus कर दें यानी कि 100 में से 65 को minus कर दें जो भी बचेगा वो pink color के chalks हैं यही बोला है उन्होंने And the rest are pink in color. यानी कि 100 में से 65 को सप्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे जो भी आएगा वो पिंक कलर के चौक्स हैं तो मैं अगर सप्रैक्ट करूं 65 को 100 में से आई विल गेट 35 आप भी चेक कर सकते हैं माइनस करके ठीक है 35 फाइव नाउ फ्रैक्शन ऑफ पिंक चौक अगर मैं इसकी फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन क्या बनेगी आपको पता है यहां पे जो टोटल है टोटल कितना आपके आपके पास चौक्स कितने हंड्रेड ठीक है टोटल आपके पास हंड्रेड है आप पिंक चौक के फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो पिंक चौक है कितने थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव हम टॉप पे लिखेंगे थर्टी फाइव बाई हंड्रेड इसको फिर हमने परसेंटेज में चेंज करना है एंड वी विल राइट थर्टी फाइव परसेंट ओके परसेंटेज ऑलरेडी बना हुआ है यहां पे साइन आपको जस्ट थर्टी फाइव लिखना है नाउ सी द नेक्स्ट वन